नमस्कार, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में हम बिहारी जी के दोहे पढ़ रहे हैं। बिहारी सत्संग में संकलित बिहारी जी के दोहे, इनके जो दोहों का क्रम है वो हमने लगभग 29 दोहे पढ़ चुके। हम आज हम आगे 29 के बाद में 30, 31, 32, 33 और 34 तक पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिहारी जी के दोहों को मैंने बता दिया कि मुक्तक रूप में उन्होंने लिखा, यानी एक विषय को लेकर के बिहारी जी ने दोहों की रचना नहीं की, अपितु उनका जो विषय था वो अलग अलग था। और बिहारी सत्संग में अगर क्रम से देखें तो उसमें अलग अलग जो रूप है वो हमें देखने को मिलता है। जैसे पहला मंगलाचरण में भक्ति भाव का है, तो कुछ पद आपको नीति के मिलेंगे, कुछ ज्योतिष के मिलेंगे, कुछ आपको श्रृंगार के जो है वो भी पद इसमें मिलेंगे। तो इस प्रकार से तरह तरह के आपको पद है वो देखने को मिलते हैं, एक विषय को लेकर के नहीं लिखा गया। अब देखिए पहला पद देखते हैं, पावक सोने ननु लगे जावकु लाग्यो भाले, मुकुरु होंगे नेक में मुकुरु बिलो के लाल, बिहारी मुकुरु हो बिलो के लाल। तो ये जो पद है श्रृंगार का पद, इसमें देखिए श्रृंगार रस से परिपूर्ण ये रचना है। इसमें बिहारी जी कहना चाहते हैं, इस जो प्रसंग में आप वो लिख देंगे जो बिहारी सत्संग से अवतरित है, प्रस्तुत पद बिहारी सत्संग के बिहारी जी के दोहों से लिया गया है या अवतरित है। इसमें जो खंडिता नायिका है, खंडिता नायिका है वो अपने नायक से कह रही है कि पावक सुने ननु लगे। पावक का अर्थ होता है आग, आग की तरह लाल, सो मन तरह, सो का अर्थ हो गया समान या तरह है, समान नैननु मन नेत्र आँखें, लगे मन लग रही है, ठीक है लग रही है या लगती है, ठीक है। जावक का अर्थ होता है महावर, महावर है वो पैरों में लगाया जाने वाली एक तरह से मेहंदी है, ठीक है, पैरों में लगाई जाने वाली मेहंदी की तरह होती है, उसको पुराने ज़माने में महावर कहते हैं, स्त्रियां लगाती थी पैरों में, तो महावर, तो ये पैरों में ऐसे लगाई जाती थी, लाल रंग का महावर होता था। तो जावकु लाग्यो भाल, भाल का तो होता है माथा या मस्तक, लाग्यो मैंने लगा हुआ, मुकुरु मैंने मना कर दोगे, मना कर दोगे, होंगे मैंने होंगे, मना कर देंगे या मना होंगे मैंने मना होंगे, अभी मना करके, नेक मने थोड़ी देर में, कुछ ही क्षण में, मुकुरु का अर्थ दो, देखो मुकुरु शब्द दो बार आया है, इस मुकुरु का अर्थ है दर्पण या शीशा, बिलो के मने देखकर, लाल का अर्थ है नायक या श्री कृष्ण जो भी है नायक के अर्थ में आया है। तो यहाँ पर बिहारी जी ये कहना चाहते हैं कि जो खंडिता नायिका है वो नायिका कथन, नायिका वो कहती है नायक को लक्ष्य करके कि जैसे ही वह उसका जो नायक है वो पर स्त्री या परकिया नायिका के साथ प्रेम जो करके आता है, तो उसके बाद में वह उसके चिन्हों को देख करके ऐसा लगता है उल्हाना देती है, उसको उपालम्ब देती है। तो वह खंडिता नायिका नायक से कहती है, नायक हे लाल, तुम्हारे माथे पर जो है महावर जो लगा हुआ है, जावकु लाग्यो भाल, यानी तुम्हारे मस्तक पर, तुम्हारे माथे पर जो महावर लगा हुआ है वो मुझे
ऐसा लगता है कि तू परकिया स्त्री से प्रेम करके आया है और उसके कारण मुझे वो जो है आग की तरह मेरे नेत्रों को वो लग रहा है, यानी वो जो महावर है जो तुम्हारे मस्तक पर लगा हुआ है उसको देख करके मुझे मेरे नेत्र है वो आग की तरह हो रहे हैं। और मुकुर होंगे नेक में, तो नायिका कहती है कि आप कुछ आप अपने स्वभाव या अपनी आदत के अनुसार अभी आप मना कर दोगे, नट जाओगे, मना कर दोगे, इसीलिए तुम जा कर के क्या देखो, मुकुर विलो के लाल है, लाल है नायक, तुम अभी दर्पण जा कर के शीशे में जा कर के देख लीजिए, नहीं तो बाद में आप मना करोगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर खंडिता जो नायिका है वो परकीय नायिका के साथ जब नायक प्रेम भाव करके आता है तो उसको देख करके इसमें भाव व्यक्त किया गया है। वह उसके वास्तविकता से तुम मुकुर जाओगे, इसीलिए जा करके तुम उसमें दर्पण में देख आओ। तो ये यहाँ पर भाव व्यक्त हुआ है, श्रृंगार का भाव है। तो मुकुर मुकुर में आपका यमक अलंकार है प्यारे विद्यार्थियों, मुकुर मुकुर में क्या है, यमक अलंकार है। एक मुकुर का मतलब तो गया मन्ना कर देना और एक मुकुर का अर्थ हो गया दर्पण। तो इस प्रकार यहाँ पर अलंकार हो गया यमक, उपमा अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार भी है। तो ये अलंकारों की बात है या विशेष वाले पॉइंट में लिखेंगे। विशेष का अर्थ क्या होता है, काव्यांग विवेचन करना, काव्यांग कर काव्य सौंदर्य लिखना। तो उसमें आप रस क्या कौन सा है, आपका गुण कौन सा है, गुण में भी लिख सकते हो, गुण माधुरी एक प्रसाद है, ओज है, ये भी लिखा जा सकता है। साथ ही साथ इसमें अलंकार भी लिखेंगे, छंद कौन सा है, ये जो चीज़ें सब लिखी है, भाषा कौन सी है, ये जो चीज़ें वो किस में आती है, विशेष वाले बिंदु में आती है। तो पहले प्रसंग होता है, फिर आपका व्याख्या हो गई, व्याख्या का मतलब उसका सरल अर्थ कर देना। प्रसंग में आपका किसके ये जो पाठ है वो किसके द्वारा रचित है, ये जो कविता है या पद है वो किसके द्वारा रचित है उसके बारे में लिखा जाता है, और ये जो पद है वो किस से संबंधित है वो भी इसमें प्रसंग में लिखा जाता है। फिर व्याख्या में सरलार्थ किया जाता है, और विशेष वाले बिंदु में ये जो चीज़ें मैंने बताई काव्यांग काव्य सौंदर्य वो लिखा जाता है। तो ये इसमें बिहारी जी ने वर्णन है वो किया। तो यमक अलंकार है, उपमा अलंकार है, और उपमा आपके अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इसमें किया है, और जो खंडिता नायिका है वो परकीय नायिका से एक तरह से विद्वेष है वो रखती है, ये स्वाभाविक ही गुण होता है। आगे देखिए अगला पद, मकराकृति गोपाल के सुवत कुंडल कान, धर्यो मनोही धर समर ड्योडी लसत निशान, बिहारी ड्योडी लसत निशान। तो प्यारे विद्यार्थियों इस पद का अर्थ देखिए, मकराकृति का मतलब होता है मकर की आकृति के कुंडल, मकर मैंने मछली की आकृति के कुंडल, मकराकृति जो कुंडल है गोपाल मैंने श्री कृष्ण ने अपने कानों में जो है मकर की आकृति यानी मछली के आकार के कुंडल है वो धारण कर रखे हैं। सोवत कुंडल कान, तो उनके नेत्र है, सोवत का मतलब होता है शोभायमान हो रहे हैं, शोभित हो रहे हैं, कुंडल मैंने कुंडल कान मैंने कानों में, तो श्री कृष्ण जी ने अपने कानों में जो है मकराकृति कुंडल है वो धारण कर रखे हैं। ठीक है, कुंडल का आकार है वो मकराकृति बताया है, तो श्री कृष्ण जी ने मकराकृति कुंडल है वो धारण करके कानों में जो बहुत ही शोभित हो रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं, ऐसा देख उनको देख करके लगता है। तो इसमें कोई जो नायिका है दूती नायिका जो उसका संदेश इधर से उधर पहुंचाती है वो दूती नायिका होती है, दूत है, तो वो दूती नायिका कृष्ण को देख करके आई है और आकर के उस नायिका से अपनी जो सखी नायिका उससे कहती है, किसके सौंदर्य के बारे में, कृष्ण की शोभा के बारे में वो दूती नायिका कह रही है अपनी सखी से कि हे नायिका हे सखी, उन गोपाल ने उन श्री कृष्ण जी ने अपने कानों में मकराकृति के कुंडल धारण कर रखे हैं जिससे वे बहुत ही शोभा प्राप्त कर रहे हैं। धर्यो मनो, और उनके कानों के कुंडल को देख करके ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है मनो मने मानो, तो उत्प्रेक्ष अलंकार हो गया मानो, धर्यो मने धारण किया है, ये धर का अर्थ हो गया वैसे हृदय में धारण करने वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हृदय रूपी धरी धर मने धरती या राज्य, हृदय रूपी धरती राज्य या देश बोल सकते हैं। समर का अर्थ होता है कामदेव,
ड्योडी लसते, ड्योडी मैंने कानों रूपी जो राज्य हैं उस राज्य में शोभायमान हो रहे हैं, कानों रूपी जो राज्य हैं उसमें लसत मैंने शोभित हो रहे हैं। निशान कर्त होता है पताका, झंडा, ठीक है, निशान कर्त हो गया पताका। तो इस प्रकार से इसमें बिहारी जी ने कहा है कि वो जो दूती नायिका है वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है कि श्री कृष्ण जी के कानों में मकरा करते के कुंडल बहुत शोभायमान हो रहे हैं और उनको देख करके ऐसा लगता है कि मानो कामदेव ने हृदय रूपी राज्य को जीत लिया है, धैर्य कार तो गया जीत लिया है, ठीक है, कि ऐसा लगता है कि जैसे हृदय रूपी जो राज्य या देश है उसको कामदेव ने जीत लिया, इतना सुंदर, यानी यहाँ पर उपमा कामदेव से दी है श्री कृष्ण की, तो ऐसा लगता है कि कामदेव ने जो है हृदय रूपी धरती या राज्य को जीत लिया है और उसके कारण उस राज्य के ऊपर कानों रूपी जो है उसमें किले में जो है उनके निशान है, पताका है, वो जो मकराकृति के कुंडल है वो उस कानों रूपी राज्य के पताका के रूप में लहरा रहे हैं। तो ये इसमें भाव व्यक्त किया है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। कानों रूपी राज्य या प्रदेश में अपने मकराकृति रूपी जो कुंडल है, यहाँ पर ये उपमा दी है इसको, कानों के कुंडल को, मकराकृति के कुंडल को पताका के रूप में लहरा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थी यह भाव आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें अलंकारों की बात करें तो उत्प्रेक्षा है, उपमा है, पर्यायोक्ति अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार है ही है, मानो आया है तो उपमा अलंकार है और पर्यायोक्ति अलंकार भी है, पर्यायोक्ति। तो ये अलंकार है, इसमें भाषा ब्रज है ही है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, यह आप उसमें विशेष वाले बिंदु में लिखेंगे। अगला पद देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो ये बिहारी, त्यों त्यों उज्जवल हो। अब देखिए इसमें विरोध का सा भाव इसमें प्रदर्शित किया गया है। इसमें भगवान की जो भक्ति है वो करने से समस्त पाप है वो नष्ट हो जाते हैं, इसका अर्थ ही होगा, ठीक है ना। अपनी भक्ति भावना, अनन्य भक्ति भावना प्रकट है वो इसमें की गई है बिहारी जी की। ये प्रसंग में आप लिखेंगे कि बिहारी जी ने प्रस्तुत पद बिहारी जी के दोह से अवतरित है और इसमें बिहारी जी ने एक अनन्य भक्त के रूप में जो है भक्ति भावना है वो व्यक्त की गई है बिहारी जी की। तो इसमें देखिए आगे कि या अनुरागी, या मने इस, या का अर्थ होता है इस, अनुरागी का अर्थ होता है प्रेमपूर्ण, प्रेमपूर्ण। चित्त का अर्थ हो गया मन की गति, गति मन चाल या स्वभाव। समुझे मन समझ, नहीं मन नहीं, कोई मन कोई भी, यानी इस संसार में इस मन की गति को कोई समझ नहीं सकता। जो जिसका मन प्रेम पूर्ण है, प्रेम पूर्ण का अर्थ यहाँ पर श्री कृष्ण की या अपने ईश्वर की भक्ति में जिसका मन लग गया है, उस मन को, उस प्रेम पूर्ण मन को कोई उसकी गति को समझ नहीं सकता। कैसे कि ज्यों ज्यों मन जैसे जैसे बूढ़े मन डूबते हैं श्याम का अर्थ दो आएगा, श्लेष है इसमें, श्लेष अलंकार हो गया, श्याम का अर्थ हो गया, एक तो हो गया काला रंग, एक अर्थ हो गया आपके श्री कृष्ण श्याम रंग, श्री कृष्ण, तो दो अर्थ होंगे प्यारे विद्यार्थियों। श्याम मने काला रंग और श्याम मने पाप, श्याम मने श्री कृष्ण, इस तरह से अर्थ में आ गया। श्याम रंग मने काला रंग और श्याम रंग का मतलब कृष्ण की भक्ति रंग में, त्यों त्यों मने वैसे वैसे उज्ज्वल मने सफ़ेद, इसके भी दो अर्थ होंगे, सफ़ेद रंग और उज्ज्वल का अर्थ होता है पावन, पवित्र। अब देखिए इसके दो अर्थ है, होय मने होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों अब इसका अर्थ देखिए कि इस श्री कृष्ण जी से प्रेम पूर्ण मन की गति को कोई समझ नहीं सकता, या किसी से प्रेम होने पर उसकी मन की गति को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसा है जैसे जैसे ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग में, जैसे जैसे आप श्याम रंग में यानी काले रंग में डूबते जाते हैं, त्यों त्यों उज्ज्वल होए वैसे वैसे सफ़ेद हो जाते हैं। अब यहाँ पर कोई पाठक विरोध
प्रकट कर सकता है। तो ये विरोधाभास अलंकार इसमें आया है कि काले रंग में डूब करके सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। तो इसमें भाव ये बताना चाहते हैं बिहारी जी कि श्याम रंग में जो कृष्ण रंग में डूब जाता है वो उज्ज्वल हो जाता है, यानी पावन और पवित्र हो जाता है, उसका मन पवित्र हो जाता है, उसका आचरण शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण बात है विरोधाभास अलंकार है इसमें, क्योंकि विरोध का सा प्रकट हो रहा है कि काले रंग में डूब करके सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। तो काले रंग का अर्थ में और श्लेष अलंकार भी हुई इसमें है, साथ में पुनरुक्ति दो बार आया, ज्यों ज्यों त्यों त्यों, तो पुनरुक्ति भी है। कोई शब्द दो बार आए दोनों का अर्थ एक ही हो तो वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, ठीक है। और शब्द दो आए दोनों का अलग अलग अर्थ आए तो यमक अलंकार होता है, और जब दो शब्द है एक जैसे ही है लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है तो पुनरुक्ति होता है। और इसके साथ साथ विरोधाभास है, श्लेष अलंकार है। श्लेष किस में है? श्लेष आपके श्याम रंग में है, और आपके इस श्याम रंग में उज्ज्वल में भी श्लेष अलंकार है। तो ये भी बहुत परीक्षा में कई बार पूछा जाता है ये पद, तो समझ में आ गया होगा भाषा ब्रज है ही है। और इसमें मन की पवित्रता पर जोर दिया गया है, क्योंकि जैसे मन जिसका पवित्र हो जाता है वहीं कृष्ण के प्रेम में डूब जाता है, मन कृष्ण के प्रेम में डूबने से ही मन पवित्र बनता है, ये सबसे बड़ी विशेषता इसमें बताई गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा। अगला पद देखिए, लाज गहो बे काज कत गिरी रहे घर जाई, गोरस चाहत फिरत हो गोरसु चाहत नाई बिहारी, गोरसु चाहत नाई। तो इसमें कोई गोपी या नायिका है, उसको जैसे कोई दही बेचने वाली कोई गोपी या नायिका है, उसको मार्ग में उसका नायक है वो उसको मिल जाता है, तो वो उसको ये कहना चाहती है कि तुम बीच रास्ते में मुझे क्यों रोक रहे हो। तो ये भाव इसमें व्यक्त किया गया, श्रृंगार का इसमें भी भाव है। तो ये देखिए, जो नायक से मार्ग में भेंट हुई है तो उस समय उसके जो कुछ उसने कहा है वो इसमें वर्णन किया गया है। तो बिहारी जी कह रहे हैं वो नायिका उस नायक से कहती है कि लाज मने लज्जा या शर्म, लज्जा या शर्म गहो मन आ नहीं रही है, तुम्हें लज्जा या शर्म नहीं आ रही है। बेकाज कत मन बेकार में व्यर्थ में, कत मन क्यों, घेरी मन घेर रहे हो मार्ग को रोक रहे हो, घर जाए मने मुझे घर जाने दीजिए, घर जाए मने घर जाने दीजिए, वो नायिका कहती है। और वो जो नायक है वो उससे क्या मांग रहा है, मक्खन, गोरस, गोरस का अर्थ भी मक्खन है, गोरस का मतलब मीठी वाणी भी है, ठीक है। और अगले गोरस का अर्थ होता है गोरस चाहत नाही, गोरस चाहत फिर तो गोरस चाहत नाही, तो एक गोरस का अर्थ होता है इंद्रिय सुख या प्रेम, इसका अर्थ दो अर्थ हो गया। गोरस का मतलब यहाँ पर देखिए प्यारे विद्यार्थियों, गोरस मन मक्खन, गोरस मन मीठी वाणी, गोरस मन इंद्रिय सुख या प्रेम सुख। तो यहाँ पर नायिका है वो नायक से कह रही है कि गोरस चाहते फिरे तो, कि तुम मक्खन को चाहते फिरत रहे हो लेकिन तुम गोरस चाहत नाही, मनम गोरस नहीं चाह रहे हो, मक्खन नहीं चाह रहे हो, अभी तो तुम मुझसे प्रेम भाव या मधुर वाणी जो बात करना है वो चाह रहे हो, मक्खन है वो नहीं चाह रहे हो, अभी तो मुझसे प्रेम भाव या मीठी वाणी में मीठी वाणी है या बातें हैं वो करना चाह रहे हो। तो ये बात इसमें नायिका नायक से कहती है। तो ये भी आप समझ में आ गया होगा। और इसमें भी वही बात कही है भाई कि जो है अलंकारों की बात करें इसमें तो अनुप्रास है, यमक और श्लेष अलंकार का प्रयोग इसमें किया है, क्योंकि गोरस शब्द के तीन तीन अर्थ हो गए, तो श्लेष अलंकार भी हो गया और यमक अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार तो है ही है, सब में ही है अलंकार, अनुप्रास तो सब में आप लिख सकते हैं, भाषा ब्रज है, दोहा छंद है। अगला देखिए शोर्ट है, ये शोर्ट नहीं समा करना, ये भी आपके दोहा ही है। जप माला छापा तिलक सरे न एको काम,
मन काचे नाचे वृथा सांचे राचे राम बिहारी सांचे राचे राम। तो इस पद में भी बिहारी जी ने जो है पवित्र आचरण पर बल दिया। प्यारे विद्यार्थियों, बिहारी जी ने कहा कि आप मन का आचरण, मन को पवित्र रखोगे, अपना आचरण शुद्ध रखोगे तो ईश्वर की प्राप्ति सहज हो सकती है। बाकी भाई आडंबर का इन्होंने विरोध किया। जैसे कबीरदास जी भाई आडंबर का विरोध करते थे, ऐसे ही इसमें भी बिहारी जी है वो भाई आडंबर का विरोध है वो करते हैं। देखिए, जप माला छापा तिलक की मंत्र जाप करने में, मंत्र जाप करने में, मंत्र का जप करने में, माला गले में धारण करने से या माला फेरने से, छापा तिलक करने पर, छापा का अर्थ हो गया चित्रित करना, तिलक को चित्रित करना, तिलक लगाने से, तरह तरह के तिलक लगा लिए, ठीक है, और तिलक लगाने से या फिर छापा तिलक करने से, जप मंत्रों का जप करने से, माला धारण करने से, सरे न एको काम, मैंने किसी का भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, यानी भक्ति भाव या ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। न एको काम, मैंने किसी एक का भी ये कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। मन कांचे नाचे वृथा, जब तक मन कच्चा है, मन कांचे मैंने कच्चा, अस्थिर, कच्चा का अर्थ हो गया यहाँ पर अस्थिर है, जिसका मन अस्थिर है, कच्चा है, तो वो नाचे वृथा मैंने व्यर्थ में ही भक्ति भाव इत्यादि करता है। वो अगर जिसका मन कच्चा है, अस्थिर है, वो वे उनकी जो भक्ति भावना है, जप माला छापा तिलक ये सब के सब व्यर्थ है। बिहारी जी कहते हैं सांचे राचे नाम, जो सांचे मैंने सत्य वही हैं जो भक्ति में रचता है, ठीक है, भक्ति में डूबता है, रचता है, वही जो राम में यानी डूबता है या फिर रचता है, और राम का मतलब यहाँ पर ईश्वर से हैं, जो भगवान की भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में पूर्ण रूप से राचे मन रच जाता है, डूब जाता है, वही सत्य भगवान की प्राप्ति है वो कर सकता है। बाकी बाह्य आचरण से इस संसार में कोई भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। कबीरदास बिहारी जी कहना चाहते हैं कि मंत्र जाप करना, छापा तिलक करना, ये माला पहनने से संसार में किसी एक का भी काम नहीं चलता, किसी एक को भी ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। जब तक कि आपका मन कच्चा है, अस्थिर, अस्वच्छ है, अपवित्र है, तो इस तरह का आचरण करना एकदम से व्यर्थ बताया है। और ये जो केवल है वो केवल दिखाने की आडंबर की चीज़ है, ये जप माला छापा तिलक ये तो क्या है, आडंबर की चीज़ है। सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बिहारी जी इसमें कहना चाहते हैं, मन की, आत्मा की शुद्धता, अपने मन को नियंत्रण में रखो, इंद्रियों को वश में रखो, मन को पवित्र आचरण, मन है वो पवित्र हो आपका, तब सब ईश्वर है आपको प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जब मन ही अपवित्र है तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और इसमें यही बात बताइए कि आत्मा की शुद्धता पर बल है वो इसमें दिया गया है, बाकी सब चीज़ें ये सब व्यर्थ हैं, भगवान पवित्र मन से सत्य के आचरण से ही प्राप्त होते हैं। तो इसमें यह आप लिख सकते हैं। अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है और आपके काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है, भाषा ब्रज है ही है, और साथ ही साथ इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, और ये दो छंद का प्रयोग किया गया है। बिहारी जी ने इसमें मन की पवित्रता पर और उनके नियंत्रण पर है वो जोर इसमें दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले पद हम बिहारी जी के हैं वो शेष हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और आशा है ये जो आज के जो पद है, आप जो दोहे की व्याख्या है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो प्यारे विद्यार्थी, इन व्याख्याओं को ठीक से पढ़ते रहो, इनके जो प्रसंग है, व्याख्या और विशेष वाले बिंदुओं को विशेष तौर से आप पढ़ना है आपको, और इसके साथ हम आगे जो बिहारी जी के शेष जो पद हम पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, तब तक के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, और परीक्षा की तैयारी करते रहो, साथ ही साथ आप वो इसका अध्ययन वो नियमित रूप से करेंगे। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत, जय हिंदी।